चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महमूद हसन। आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं हार्ट या हृदय से। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने जो है पूरा हृदय की जो है संरचना जो है बनाई हुई थी, हृदय के बारे में डिटेल से हमने समझा हुआ था। आज जो है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट या हृदय की हम जो है क्रियाविधि कैसे, मतलब हृदय कार्य करता है, मतलब ये हुआ इसमें ब्लड कैसे कहाँ आता है, फिर कहाँ से कब पंप होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और हृदय को हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, परिवहन तंत्र के अंतर्गत। और परिवहन तंत्र को जो है हम जिस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कोशिका से अंग तंत्र। तो अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में हमने जो है लिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, और परिवहन तंत्र में हमने लिया हुआ है क्या हार्ट, और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट हृदय की क्रियाविधि, इसमें हम जो है स्पेशल रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या जो है रुधिर परिवहन तंत्र की खोज किसने की, तो उस तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की, मतलब उन्होंने ये बताया कि शरीर के अंग से कैसे रक्त कैसे कलेक्ट हो रहा है हृदय की ओर, और हृदय से कैसे फिर से शरीर की अंग की ओर पंप हो रहा है। तो हृदय जो हृदय के द्वारा जो शरीर में ये ब्लड दौड़ाया जा रहा है, उस ब्लड के दौड़ने की प्रक्रिया को या गमन की प्रक्रिया को या जो है परिवहन की प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। अब बात करते हैं हृदय की क्रियाविधि का। प्रीवियस क्लास में हमने जो है बताया हुआ था कि जो मानव का जो हृदय होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब चार कोष्ठक का बना होता है। ऊपर के ये दो कोष्ठक पहले और दूसरे, इनको हम कहते हैं अलिंद कहते हैं, और नीचे के दो ये कोष्ठक होते हैं तीसरे और चौथे, इनको नाम दे देते हैं क्या, निलय कहते हैं। तो ये पहला कोष्ठक, इस कोष्ठक को हमने नाम दे दिया दायां अलिंद, और ये दूसरा कोष्ठक इसको हमने नाम दे दिया बायां अलिंद, और ये निलय है ये कोष्ठक, तीसरा कोष्ठक दायां निलय, और ये चौथा कोष्ठक है इसको नाम दे दिया क्या, बायां निलय। तो हृदय जो है मानव का वो ये फोर चैम्बर्ड होता है जिसमें से दो अलिंद और दो निलय, इधर के साइड के दाएं अलिंद, नीचे के दाएं निलय, ऊपर के ये बायां अलिंद, और ये नीचे का ये जो है बायां निलय, ये फोर चैम्बर्ड हार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने इसको जो है विशेष रूप से समझाया हुआ है। अब ऐसे नोड संरचना है, और ऐसे नोड संरचना ये मानव में जो है हृदय धड़कन प्रारंभ करती है, इसीलिए ऐसे नोड को हम कहते हैं हृदय का पेसमेकर कहते हैं। अब धड़कन की अगर हम बात करें तो मानव का जो हृदय होता है प्रति मिनट 70 से 72 धड़कन करता है, और अगर बच्चे की केस की बात करते हैं तो चाइल्ड में इन धड़कन की संख्या जो है 100 से 120 तक होती है। तो चाइल्ड के केस में हृदय में धड़कनों की संख्या 120 बार प्रति मिनट, और एडल्ट के केस में 70 से 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। ठीक, अब धड़कन की अगर हम बात करते हैं तो मानव का हृदय जो होता है धड़कन में ऐसे संकुचित होता है फैलता है, संकुचित होता है फैलता है। जब हृदय संकुचित होता है तो सिस्टोल कहते हैं, अब जब हृदय फैलता है उस प्रक्रिया को हम डायस्टोल कहते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। तो ये धड़कन अगर बीट की बात की जाए, धड़कन को प्रारंभ कौन करता है, ऐसे नोड प्रारंभ करता है। और धड़कन में दो प्रक्रिया, जब हृदय संकुचित होता है तो सिस्टोल, और जब हृदय फैलता है तो डायस्टोल। हृदय जैसे संकुचित हो रहा है सिस्टोल, फैल रहा है डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। अब जब सिस्टोल और डायस्टोल जब होगा उसी को एक धड़कन कहे, और धड़कन की संख्या एक मिनट में 70 से 72 है, और मतलब यह हुआ कि एक मिनट में 70 बार संकुचित होएगा 70 बार फैलेगा, मतलब कि 70 से 72 बार सिस्टोल और 70 से 72 बार डायस्टोल। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है, तो वो अंग कौन है, हृदय है, और धड़कन में जो दोनों प्रक्रिया हो रही है उसी को नाम दे देते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, जिसके फलस्वरूप हृदय से जो है ब्लड निकलता है या फिर जो हृदय की ओर रक्त आता है उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे समझने चल रहे हैं। अब बात करते हैं जैसे मानव का हृदय है यहाँ स्थित होता है दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाई और वक्ष भाग में। अब हृदय जब यहाँ है तो हृदय के ऊपर जितने भी अंग हैं, जैसे गर्दन हो गया, सर हो गया, ये शोल्डर या भुजाएं हो गए, ये हाथ हो गए,
तो हृदय के ऊपरी जितने भी अंग हैं उन सब अंगों का रक्त हृदय की ओर कलेक्ट होकर के आता है, और जिस नली के माध्यम से कलेक्ट होकर के आता है हृदय की ओर रक्त, उस नली को हम नाम दे देते हैं क्या, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा को हम कहते हैं एंटीरियर वेना केवा। तो अग्र महाशिरा एक ऐसी नली है कि हृदय के ऊपर जितने भी अंग हैं उन सब अंगों का रक्त कलेक्ट होकर के हृदय की ओर आ रहा है। उसी तरीके से दूसरी नली है पश्चमाशिरा, जिसको हमने नाम दे दिया पोस्टीरियर वेना केवा। ये क्या है, हृदय के नीचे जितने भी हैं, जैसे मान ली हृदय की पोजीशन यहाँ है, इसके नीचे की बात करते हैं तो पेट का ब्लड हो गया, इधर जो है पूरा जो है पेट का ब्लड हो गया, फिर उसके बाद कमर का हो गया, फिर उसके बाद कूल्हे का हो गया, जांग या पैर का, सब ब्लड कलेक्ट हो करके और जिस नली के माध्यम से हृदय की ओर आता है उस नली का नाम क्या है, पाश्च महाशिरा, या उसी को हम कहते हैं पोस्टीरियर वेना केवा। तो अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा के माध्यम से ऊपरी अंगों का रक्त और पश्च महाशिरा के माध्यम से निचले अंगों का रक्त, ये कलेक्ट होकर के ये आएगा हृदय की ओर, और हृदय के जिस चैम्बर में जिस कोष्ठक में रक्त आ करके भरता है उस चैम्बर को नाम दे देते हैं क्या, दायां अलिंद। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शरीर के अंग से रक्त कलेक्ट होकर के हृदय की ओर जो आता है सबसे पहले किस चैम्बर या किस कोष्ठक में आता है, तो उस चैम्बर या उस कोष्ठक का ये क्या नाम है, उस कोष्ठक का नाम है दायां अलिंद। अब देखिए जब दायां अलिंद में आया तो ये जब चैम्बर भर गया तो ये संकुचित हुआ, जब ये संकुचित हुआ तो ये वाल्व खुल गया, इस वाल्व का क्या नाम है, त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। तो त्रिवलनी कपाट जो है दाहिने अलिंद दाहिने निलय के बीच है, तो ये जब संकुचित हुआ ये त्रिवलनी कपाट खुल गया, जब खुल गया तो इसमें से ब्लड आ गया, इसमें किसमें आ गया, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ गया। जब दाएं निलय में ये चैम्बर में भर गया ऐसे फैलता जा रहा, जब भर गया तो ये संकुचित हुआ, अब जब ये संकुचित होता तो यहाँ से कनेक्ट होती है नली, और उस नली का क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी। तो रक्त जो है दाएं निलय से ये आ गया पल्मोनरी धमनी में, और ये जो पल्मोनरी धमनी है ये रक्त को लेकर के चली गई फेफड़े में। तो पल्मोनरी धमनी ये कनेक्ट होती है कहाँ से, फेफड़े से, और ये दाएं निलय भाग से पल्मोनरी धमनी के माध्यम से ये रक्त चला गया फेफड़े में। जब रक्त फेफड़े में जाता है, अब देखिए फेफड़ों में जो है गैसेस चेंज होता है, गैसों की अदला बदली होती है, गैसीय विनिमय होता है, मतलब ये हुआ कि अभी जो शरीर के अंगों से ब्लड कलेक्ट होकर के आया था हृदय की ओर वो डीऑक्सीजनेटेड था, अनऑक्सीकृत था, मतलब ऐसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। शरीर के अंगों से जो भी कलेक्ट होकर के, चाहे वो हृदय के दाहिने अलिंद में हो और चाहे वो जो है बाएं अलिंद में हो या फिर जो है पल्मोनरी धमनी में हो, अभी वो ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो है जब दाएं निलय से निकलेगा और पल्मोनरी धमनी के माध्यम से जब वो फेफड़े में पहुंचेगा, अब देखिए अब ब्लड वहां फेफड़े में पहुंच करके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ये हुआ कि ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का सेंस ये है ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ने छोड़ दिया फेफड़े में, और बदले में जब हम सांस लेते हैं वायुमंडल जो ऑक्सीजन जाती है फेफड़े में उस ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है, और इस तरीके से ब्लड का क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब पहले की तुलना में प्योर हो गया, मतलब ऐसे ब्लड में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ गया, जो डीऑक्सीजनेटेड था वो फेफड़े में पहुंच करके क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसे ब्लड में जो है किसकी मात्रा ज्यादा है, O2 मोर है, अधिक मात्रा है, तो फेफड़े से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर के जिस नली के माध्यम से फिर हृदय के बाएं अलिंद में आ रहा है उस नली का नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी कनेक्ट थी दाएं निलय से, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है और ये गया फेफड़े में, जब फेफड़े में गैसों की अदला बदली हो गई तो क्या हुआ, फेफड़े में रक्त जो है जब पहुंचा तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई, बदले में ले लिया ऑक्सीजन, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड।
अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यहाँ फेफड़े से कलेक्ट होकर के अब जो है जिस नली के माध्यम से आया उस नली का नाम है पल्मोनरी शिरा, मतलब पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो पल्मोनरी शिरा में प्योर ब्लड है या शुद्ध रक्त है। अब इस पल्मोनरी शिरा के माध्यम से ब्लड आया किस चैम्बर में, इस चैम्बर का क्या नाम है, बाएं अलिंद। बाएं अलिंद में आता है तो ये फैलता जाता है, जब भर गया संकुचित हुआ, संकुचित हुआ तो ये वॉल खुला, इस वॉल का क्या नाम है, द्विवलनी कपाट। जब ये वॉल खुला तो इसमें से ब्लड किस में आ गया, इसमें आ गया, और इस चैम्बर का नाम क्या है, बाया निलय है। अब ब्लड बाया निलय से बाया निलय भाग में आया, जब बाया निलय आकर के भर जाता है जिसमें ब्लड, ये संकुचित होता है, और जब ये जब संकुचित हुआ तो ब्लड आ गया यहाँ से किसमें, आर्टा। और आर्टा को एक और नाम से जानते हैं, आर्टा को या इसको हम कहते हैं महाधमनी। और ये जब महाधमनी ये किससे कनेक्ट है, बाएं नीले भाग से, और जब बाएं नीले भाग से है तो ये संकुचित हुआ, और जब संकुचित हुआ ब्लड आटा या महाधमनी में आया, अब महाधमनी के माध्यम से ये पंप कर दिया गया, और जब ये पंप कर दिया गया ये पहुंचा बॉडी आर्गन। बॉडी आर्गन को हिंदी में हमने क्या कह दिया, शरीर के अंग में रक्त पंप कर दिया गया। अब जब शरीर के अंग में रक्त पंप कर दिया गया, अब देखिए तो जब शरीर के हर अंग में हर कोशिका में ब्लड चला गया तो ब्लड में से जो ऑक्सीजन होती है कोशिका के अंदर होता है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन में जो होती है ऑक्सीजन जो है यूज की जाती है, और ब्लड से ऑक्सीजन को कोशिका ने ले ली। अब उसमें कोशिकीय श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका ने दे दिया ब्लड को। अब फिर ब्लड कोशिका में पहुंच करके कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप किसमें बदल गया, डीऑक्सीजनेटेड, अर्थात अब ब्लड फिर इम्प्योर हो गया, और इस तरीके से फिर इम्प्योर ब्लड उस शरीर के अंग से कलेक्ट हुआ। और निचला अंग है तो पश्च महाशिरा के माध्यम से कलेक्ट हुआ, और अगर शरीर का ऊपरी अंग है हृदय के ऊपर का तो वो कलेक्ट हुआ किस नली के माध्यम से, अग्र महाशिरा के माध्यम से। और इस तरीके से ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, निचले अंगों का रक्त, शरीर के निचले अंगों का रक्त पश्च महाशिरा के माध्यम से, और शरीर के ऊपरी अंगों का रक्त अग्र महाशिरा के माध्यम से। ये आएगा कहाँ, ये आएगा दाहिने अलिंद में, फिर कहाँ जाएगा, दाहिने नीले भाग में जाएगा, फिर वो ब्लड जो था अभी जो कलेक्ट होकर गया तो वो डीऑक्सीजनेटेड था, फिर दाएं नीले से ये जो है किस धमनी के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम, ये नली है पल्मोनरी धमनी के माध्यम से रद गए फेफड़े में, फेफड़े में गैसेस चेंज हुआ, ब्लड शुद्ध हो गया, मतलब ऐसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो शुद्ध रक्त है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहाँ आया, वो आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से कौन कनेक्ट है, आटा, और आटा या धमनी के माध्यम, आटा या महाधमनी के माध्यम से रक्त पंप हुआ शरीर के अंग में। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी अंग में रक्त भेजने के लिए, और जैसे मान लीजिए कोई शरीर का अंग है यहाँ से ये कलेक्ट हुआ, और जो है कलेक्ट होकर के इस अंग से ऐसे आया हृदय के दाहिने भाग में, फिर उसके बाद फेफड़े में गया, फिर बाएं भाग में, और फिर बाएं भाग से फिर उस अंग में गया। तो किसी भी अंग में रक्त भेजने के लिए हृदय से दो बार होकर के रक्त गुजरता है, एक बार हृदय के दाहिने भाग से, एक बार बाएं भाग से। इसीलिए मानव में जो परिवहन तंत्र पाया जाता है उस परिवहन तंत्र को हम कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिवहन तंत्र या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब हुआ डबल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब यह हुआ कि दो बार होकर के हृदय से रक्त गुजरा। यहाँ पर हमने देखा हृदय के जो बाया दाहिना हिस्सा जो है, दाहिना हिस्सा में चाहे वह अलिंद हो चाहे वह नीले हो, अशुद्ध रक्त बहा डीऑक्सीजनेटेड, और बाएं हिस्से में चाहे वो अलिंद हो चाहे वो नीले हो कैसा रक्त बहा, शुद्ध रक्त बहा। यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये कि ये जो हृदय है बिना थके ये जो है जीवन पर्यंत कार्य करता है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, अभी आटा या महाधमनी है ये किससे कनेक्ट होती है, बाएं नीले भाग से, किस चैम्बर या किस कोष्ठक से हृदय से होकर के शरीर के अंग को रक्त जाता है उस चैम्बर का नाम है बाया नीलय, और किस नली के माध्यम से, आटा या महाधमनी के माध्यम से पंप हुआ। तो इस नली के माध्यम से ये पंप हुआ शरीर के अंग, जिस चैम्बर से होकर के पंप हो रहा है वो नाम है बाया नीलय,
और जिस चैम्बर में रक्त आ रहा है कलेक्ट होकर के, उस चैम्बर का नाम क्या है? दायां अलिंद है। पल्मोनरी धमनी में, ये पल्मोनरी धमनी एक ऐसा रक्त बता डी ऑक्सीजनेटेड है, और पल्मोनरी शिरा में जो है कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इस तरीके से ये वर्किंग मैकेनिज्म थी जो है हृदय की क्रिया विधि थी। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्रीवियस क्लास में हमने जो है लेक्चर नंबर 20 में जो है हृदय की संरचना बनाई हुई थी, और भी पूरी सूचना दी थी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या कैसे कैसे चैम्बर हैं, अदर जंतुओं से हमने चर्चा किया हुआ था। आज इस लेक्चर में हमने जो है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मतलब हृदय जो है कैसे ये कार्य किया, किस हिसाब से, मतलब शरीर के अंग से कलेक्ट हुआ, कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ जा करके शुद्ध हुआ, फिर किस चैम्बर में आया, फिर कहाँ से कहाँ की ओर पंप हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।